हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। दोस्तों, ये फॉलो मूवी का थर्ड पार्ट है और दो पार्ट हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिए हैं और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में हमें दो कपल को दिखाया जाता है और इनका नाम ऐना और पेलू होता है। ऐना पेलू से बताती है कि शादी से पहले उसने कई लड़कों के काले नाक को अपने जंगल में सैर करवाई है, जिससे ये सुनकर पेलू के अंडों में उबाल आ जाता है और उससे कहता है, तो फिर तुमने ये बात मुझसे पहले क्यों नहीं बताई बहन की लोड़ी, तूने मेरे साथ धोखा किया है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि आज के बाद जो तेरी मारेगा वो हमेशा के लिए ऊपर चला जाएगा। तभी ऐना उसे अपनी अफेयर की कहानी बताती है कि एक बार मैं और मेरा आशिक पेड़ के नीचे मेरी काली दुनिया की चटाई कर रहा होता है। तभी मेरा आशिक अपने केकड़े को पिंजरे से बाहर निकालता है और मैंने उसके केकड़े की दबाकर चुसाई की थी। तभी पेलू कहता है, तो इसमें क्या नई बात है, मैंने भी तुम्हें अपने केकड़े को कई बार चुसवाया है। तभी पेलू नहाने के लिए चला जाता है और उसके पीछे ऐना भी चली जाती है और दोनों वहीं पर चुम्माचाटी करने लगते हैं। तभी ऐना फिर से अपने एक्स बॉयफ्रेंड की कहानी बताती है कि एक था पुलिस वाला, वो मेरे संतरों को चाटने के लिए कहता है, पर मैंने उससे कहा था मैं अपने संतरे किसी को नहीं चटवाती हूँ, अगर चाटना है तो मेरे पिछवाड़े को चाटो, और वो उसके पिछवाड़े को चाटने लगता है। तभी पेलू कहता है, तूने आज तक जाने कितनों से चटाई करवाई होगी, आज मैं तेरी इतनी चटाई करूँगा तुझे दोबारा किसी से चटवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है।